Hello students, now we are going to start with a new topic, that is electricity. Electricity, you all know कि उसका क्या काम है, क्या importance है. I need not to explain it to you. हम direct इसको समझते हैं कि ये कैसे काम करती है और इसका मतलब क्या है. Okay, so पहले जानते हैं कि electricity ये शुरू कैसे हुआ या ये चलता कैसे है इसका काम. इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इट्स सिंपली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर बॉडी थ्रू अ कंडक्टर फ्रॉम हेयर टू हेयर. इफ यू अज्यूम दीज आर टू पॉइंट्स ए एंड बी एंड इज कनेक्टेड विद अ कंडक्टर. कंडक्टर्स आर दोज थिंग्स विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइक आयरन, कॉपर and other metals also. These can be termed as conductors, जो कि electricity को conduct करते हैं. In general आपको ये पता होगा कि iron हो गया, copper हो गया, aluminium हो गया, they are the good conductors of electricity as well as heat. Plastic होता है, plastic का wire होता या कोई thread होती तो वो electricity conduct नहीं करते, वो सब आपको पता है. पर ऐसा है क्यों कि metal जो होता है is a good conductor of electricity and plastic is a bad conductor of electricity. This is because metals का जो आप लोगों ने atomic structure पढ़ा होगा, ठीक है, जो electrons bonded होते हैं ऐसे करके, तो जो outer most shell में electrons होते हैं metals के, वो loosely bond होते हैं, वो होते हैं loosely bond. उस लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अगर कुछ पावर दिया जाए या कुछ एनर्जी दी जाए तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स आखिरी ऑर्बिट इसकी ऑक्टेट को छोड़ देते हैं. इसकी ऑक्टेट छोड़ने की वजह से क्या होते हैं, वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन हमें अवेलेबल होते हैं. और ऐसे हज़ारों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो एटम से अपना डिस्कनेक्ट हो गए होते हैं क्योंकि उसको कुछ चार्ज या एनर्जी दी जाती है, उस वजह से क्या होता है, वो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं उस कंडक्टर की बॉडी में, ठीक है. और उसका अगर फ्लो हो, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर एक ही डायरेक्शन में एक साथ फ्लो करेंगे तो वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. सो द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन वन सेकेंड कैन बी टर्म्ड एज करंट ऑल्सो. मीन्स the rate of flow, it means the rate of flow of charge is termed as current. Current ka naam aapne suna hoga, it is just the rate of flow of charge. Rate of flow, rate matlab jahan bhi rate word aata hai wahan time aata hai. To hum ise aise keh sakte hain ki current, jisko hum I se denote karte hain, current is simply the rate of flow of charge पर यूनिट टाइम. क्यू इज चार्ज, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पर यूनिट टाइम कितना मूव किए या कितना फ्लो है उनका रेट का, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करते हैं पर यूनिट टाइम, उसको कहते हैं हम करंट. और इसको मेजर कैसे करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं. इसकी यूनिट होती है एम्पियर. अब इसकी यूनिट एम्पियर क्यों होती है, क्योंकि और दिस इज द एसआई यूनिट. करंट क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है, इट्स द फॉर्मूला, ठीक है. क्यू क्या होता है, चार्ज. चार्ज अगर चार्ज होता है जो हम कूलम में नापते हैं. अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग को अभी जान लीजिए, यहाँ पे शॉर्ट में जो चार्ज होता है उसे हम कूलम में नापते हैं, कूलम जिसे सी से डिनोट करते हैं, अपॉन टाइम पर यूनिट टाइम वन सेकेंड लेते हैं, ठीक है. तो ये हो जाता है वन कूलम पर सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू वन एम्पेयर, एंड एम्पेयर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट. ये जो करंट जिसकी हमने बात की, ये मूव क्यों करता है,
वो मूव करता है, जो आपको एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल कोई भी आउटपुट या सोर्स जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वन पॉइंट टू अदर पॉइंट मूव करते हैं थ्रू अ कंडक्टर, उसकी ज़रूरत होती है, तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इट इज़ द वर्क डन टू ब्रिंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर ये दो पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट इस एक कंडक्टर में है, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ओके, एंड इट कैन बी रिटन एज वर्क डन अपॉन चार्ज। वी इज द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कैन बी रिटन इन शॉर्ट एज पी डी। वर्क डन कैन बी रिटन एज डब्ल्यू, चार्ज क्यू, ओके। वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल्स, जूल्स। सो अगर वन यूनिट वर्क लग रहा है यूनिट चार्ज को लाने के लिए, दैट इज वन कूलम, देन दिस इज नोन एज वोल्ट, कैन बी रिटन एज वी। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होती है वोल्ट, जिसे हम वी से डिनोट करते हैं। इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू वन जूल हम लेते हैं अगर वर्क, वन यूनिट वन कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, तो SI यूनिट क्या हो जाती है, वोल्ट, ओके। दिस इज ऑल अबाउट करंट एंड पोटेंशियल।